जीएसआर फाउंडेशन समिति के द्वारा आगामी 14 जनवरी से 20 जनवरी तक श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में जीएसआर फाउंडेशन समिति बीती 7 जुलाई से नमामि गंगे के तत्वाधान में प्रत्येक शुक्रवार को मां यमुना जी की नियमित आरती भी करवाती आ रही है। बताते चले कि हरिघाट की ओर बढ़ती जनभावना को देखकर समिति ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर विचार विमर्श करके निर्णय लिया है। मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होता है, उस दिन से हरिघाट हरिपुर में भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए। आज प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य था, हम पिछले विगत कई लंबे समय से वहाँ पे घाट पे यमुना आरती का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय हमारी बड़ी बहन परमिला जोशी जी हैं, विनीता जोशी जी हैं, जो वहाँ पे घाट पे काफ़ी लंबे समय से विगत पीछे भी एक जो लौ इन्होंने जलाई थी तो उसी मशाल को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने नमामि गंगे के साथ मिलकर भी कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उसका फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार यहाँ भी आए भी थे। तो आगामी समय में ये एक धाम के रूप में विकसित होना है, तो उसी उद्देश्य को लेकर हमारे बीच में आदरणीय जो हमारे ब्यास जी हैं, विपिन उनियाल जी, वो भी आज हमारे बीच में हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम 14 जनवरी से जिस दिन से सूर्य उत्तरायण होना है, उस दिन से माँ यमुना के घाट पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें क्योंकि जैसे कि शास्त्रों के अनुसार जो हमने कथाओं में सुना भी है, पढ़ा तो नहीं है लेकिन सुना है कि माँ यमुना के ही तट के किनारे श्रीमद्भागवत लिखी गई थी और माँ यमुना के ही तट पर भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाएँ हुई है। तो उसी को मध्य ध्यान में रखते हुए हमने एक आपस में आयोजन के लिए एक सहमति बनाई है कि हम 14 से 20 जनवरी तक वहाँ पे आयोजन करें। मकर संक्रांति के पर्व से शुरू होगा और हमारे बहुत सारे ग्रुप ने जो वहाँ पे कार्य शुरू किया था कि माँ यमुना को पहचान मिल पाए, जो हमने समय के साथ कम हो गई थी, बिसरा ही दिया था लगभग। तो हमारे साथ माता परमिला जोशी जी हैं, जिन्होंने लगातार 2006 से 5 से वो कार्यरत रहीं और अकेले उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया, चलते चलते बढ़ता गया और धीरे धीरे अब जब जन जागृति आ रही है तो इसी के एक और आगे बढ़ाते हुए हमने श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ पे आयोजन रखा है और गजेंद्र जोशी जी के सानिध्य में वहाँ पे कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये पहले से भी कार्यरत हैं कि किसी तरह घाट का वहाँ पे निर्माण हो सके और वहाँ पे जल्दी से घाट का अपने अस्तित्व में आ सके। कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी कथा की? कथा 14 तारीख से शुरू होनी है और 14 तारीख से सुबह 9 बजे कलश यात्रा शुरू होगी। पास में मंदिर है, मंदिर से पैदल यात्रा चल के कलश यात्रा रहेगी, कलश यात्रा घाट तक जाएगी, उसके पश्चात हमारा पूजा पाठ आदि शुरू हो जाएगा। 2 बजे से कथा वाचन का समय है और आप सभी लोग भक्तजन आमंत्रित हैं, अधिक से अधिक संख्या में आएंगे क्योंकि कथा का महत्व तभी है जब वहाँ श्रोता लोग होते हैं, सुनने वाले होते हैं। तो आप सभी भक्तजनों से आग्रह है कि जरूर आइएगा। और 20 तारीख सप्तम दिवस है, विराम होगा कथा का, जिसमें कि भंडारे का आयोजन भी है। 2-1 बजे से 1 बजे उपरांत भंडारा शुरू होगा।